वेलकम टू करण क्रंच आज का हमारा वीडियो है मैक्स वेबर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया था जिन्हें वो वीडियो नहीं देखा आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर राइट साइड पे वो लिंक मिलेगी पीछे पिछले वीडियो की तो आप वो देख सकते हैं पहले वेबर का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था आज हम इनके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोशल एक्शन वहाँ से शुरू करेंगे लेकिन पहले मैं थोड़ा आपको रिपीट कर दूँ कि मैक्स वेबर किस स्कूल को बिलोंग करते थे इंटरप्रिटेटिव स्कूल को इसका क्या बोलना था कि हमें जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं हमें उनको इंटरप्रेट करना है ठीक है हमें एक्शंस को इंटरप्रेट करना है और वो इंटरप्रिटेशन किस बेसिस पे होनी चाहिए वो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ मीनिंग्स Attached to the action by the actors. कि मेरे एक्शन का अगर मैं एक्टर हूँ मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस एक्शन का मैंने क्या मीनिंग दिया है आप उसको इंटरप्रिट करो दैट मीन्स ये ग्रैंड थियोटिकल फ्रेमवर्कस के अगेंस्ट थे माइक्रो चीजों पर इन्होंने ध्यान दिया लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा जहाँ पे हम माइक्रो अनालिसिस की बात करते हैं तो हमें यूजली नॉन पॉजिटिव थिंकर्स हमारे दिमाग में आते हैं लेकिन इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था वो जो एनालिसिस है वो हमें साइंटिफिकली करना है और वो अपनी मेथडोलॉजीज भी दी थी कि कैसे एक माइक्रो चीज को समझने के लिए भी आप साइंस की हेल्प ले सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प ले सकते हैं ये इनका बेसिक फंडा था आज इनका हम पहला टॉपिक देखते हैं सोशल एक्शन ठीक है action, ये देख लो वाइस दुरखेम ने डिफाइन किया था स्कोप ऑफ सोशोलॉजी को इन टर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट्स ये हमने कर लिया है कंप्लीट नहीं किया होगा आप लिंक देख रहे होंगे तो सोशल फैक्ट्स पर क्लिक करके वो वीडियो डिटेल में पढ़ सकते हैं थोड़ा बता देती हूँ थोड़ा आपका रिवाइज़ हो जाएगा इन्होंने क्या कहा था सोशल फैक्ट को ट्रीट करो एज थिंग्स जो आपके एक्सटर्नल हैं दैट मीन्स इंटरनल चीजों पे पर ध्यान नहीं दिया था आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं था दुर्खेम के लिए लेकिन वेबर के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी और वो आप पे कंस्ट्रेंट्स पुट करता है क्योंकि वो आपके वो आपको रेगुलराइज कर रहा है वो आपके एक्सटर्नल है तो अगर आप सुसाइड को जो सपोजिटली इंसान की एक साइकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है उसको भी इन्होंने एक सोशोलॉजिकल फिनमिना से एक्सप्लेन किया था इस मेथडोलॉजी से उसको एक सोशल फैक्ट ट्रीट करके इन्होंने बताया था कि वो आपके एक्सटर्नल है तो इंटरनल चीजों पे उसमें इंडिविजुअल का क्या रोल है का वो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था तो ये का था इसके कॉन्ट्रास्ट में वेबर ने कहा सोशल एक्शन और आइडियल टाइप्स जो है वो आपका बेसिक है सब्जेक्ट मैटर सोशोलॉजी को समझने का उन्होंने सब्जेक्ट मैटर पर क्या बताया सोशोलॉजी का स्टडी करो सोशल एक्शन ठीक है और उसके लिए उन्होंने आइडियल टाइप्स हम आगे देखेंगे एक मेथड भी दिया था कैसे स्टडी कर सकते हो वो हमें आगे पढ़ना है पहली कंडीशन कि कोई मीनिंग होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आप खड़े कहीं हो और आपको स्नीज करना है आप छींक रहे हो तो वो एक सोशल एक्शन नहीं है वो अनकॉन्शियसली छींक आई और आपने छींक आई योनिंग कर रहे हो आप वो आपका कोई कॉन्शियस एक्शन नहीं है या कॉन्शियसली आपने मीनिंग नहीं दिया है उसको ठीक है तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा And it takes into account the behavior of others and is thereby oriented in its course. Second hai it should be oriented towards some other individual. zaruri nahi wo individual physically वहाँ present ho lekin दूसरे उस scene में उस picture में orientation होनी चाहिए towards अदर individual. For example, अ park में कहीं बैठे और आराम से book पढ़ रहे हैं अपने लिए. तो आप सेल्फ मी टाइम में आप एक बुक रीडिंग एंजॉय कर रहे हैं वो सेल्फ वो सोशल एक्शन नहीं होगा बिकॉज दैट एक्शन इज नॉट ऑरिएटेड टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल समझ रहे प्रेजेंस अगर नहीं भी होगी बट ही एक्शन शुड भी ऑरिएंटेड टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स जा रहे हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए ठीक वो वॉर में कहीं जा रहे हैं ऑल दो कंट्री का हर मेंबर वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो जो एक्शन है दैट इज ऑरिएटेड टुवर्ड्स दें वो उनके बचाव के लिए सोल्जर्स वहाँ जा रहे हैं तो वो एक काइंड ऑफ सोशल एक्शन है समझ के आई होप इजी एग्जांपल है इससे आपको क्लियर हो जाएगा इन्होंने सोशल एक्शन क्या कहा था तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी मीनिंग अटैच टू बाई द एक्टर जब मीनिंग अटैच किया होगा तो कोई मोटिवेशन होगा इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यूज होंगे ऑन द इंडिविजुअल जिसकी वजह से वो एक्शन किया होगा आपको वो वो मीनिंग इंटरप्रेट करना है ठीक है सेकेंड इज इफ इट इज ऑरिएटेड टुवर्ड सम अदर इंडिविजुअल जैसा कि मैंने अभी आपको सोल्जर्स की एक्जाम्पल दी अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा मेंटल भी होगा तो फिजिकल ओरिएंटेशन फिजिकल भी हो सकती है मेंटल भी दैट इज अदर पर्सन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ सोशल एक्शन लेकिन एक्शन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स देम जैसे मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी सोल्जर की ठीक है अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें देखो इन्होंने दो चीजें इनमें से एक्सक्लूड की अपनी डेफिनेशन से पहला हो गया इमिटेटिव एक्शन मास मास्क एक्शन इमिटेटिव एक्शन क्या हो जो आप अनकॉन्शियसली किसी को फॉलो कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल uh, कोई फैशन ट्रेंड फॉलो कर रहे हो या Uh, जैसे कोई ऑनलाइन ट्रेंड uh, चलता है फेसबुक पे बीच में एक आया था कि वी uh, चैलेंज यू कि अपनी ब्लैक एंड वाइट कोई फोटो पेस्ट करो पोस्ट uh, अप ये करो अपलोड करो नॉन सेंसिकल सा ट्रेंड था कि ये कोई चैलेंज है अपना ब्लैक एंड वाइट फोटो अपलोड करना तो लोग अनकॉन्शियसली हर कोई उस चैलेंज में जा रहा था और वो चीज़ें जो है अपलोड कर रहा था तो एक काइंड ऑफ इमिटेटिव एक्शन है जो आप दूसरे को देखिए बस इमिटेट कर रहे हैं और कॉन्शियस एफर्ट कॉन्शियस थिंकिंग नहीं है उसमें आपकी इन्वॉल्व मास कंडीशन एक्शन सारे मिलके किसी एक लीडर को वोट कर रहे हैं विदाउट विदाउट थिंकिंग या सिव अंडरस्टैंडिंग हमें वोटिंग राइट right मिला है उसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है किसी को वोट करने के वो सारा एनालिसिस आप नहीं कर रहे हो बस अच्छा फलानी उसको वोट करे तो मैं भी जाके उसको वोट करता हूँ तो इन दो चीजों को उन्होंने अपनी डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया था फाइन अकॉर्डिंग टू हिम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट शुड बी द एम ऑफ सोशोलॉजी कॉज एंड इफेक्ट की बात उन्होंने की थी क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मिलाया था माइक्रो एनालिसिस को मीनिंग्स को समझो एंड सेकेंडली साइंटिफिक मेथड से समझो लेकिन वो मीनिंग्स को कैसे समझना है ये तो उन्होंने कहा साइंटिफिकली समझो ठीक है मीनिंग्स को लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं मीनिंग्स को समझने जाओगे तो सब्जेक्टिविटी हाई लेवल की होगी उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने सिर्फ ऐसी बातें नहीं की थी इन्होंने हमें एक मेथडोलॉजी भी दी थी, थी जिससे आप मीनिंग्स को समझ सकोगे वो मेथडोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उस मीनिंग्स को साइंटिफिकली समझने के लिए उन्होंने क्या क्या कहा था पहले सोशल एक्शन सोशल एक्शन में मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ एक्शन गिवन बाई द एक्टर उसको इंटरप्रेट करो सेकेंडली इट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंडिविजुअल ये हो गया आपका सोशल एक्शन उसके बाद वो मीनिंग को समझो साइंटिफिकली और उस मीनिंग को समझने के लिए उन्होंने कुछ मेथड्स दिए थे पहला मेथड है है ठीक जो वर्स्ट टहन है इसका मतलब है दिस मेथड मींस कॉम्प्रिहेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ दी एक्टर तो ये कुछ नहीं है ये यही है कि जो वो बात बोल रहा है उसको उसके लेवल पे समझो ठीक है कि उस एक्टर ने वो बात क्यों बोली है उस बात को समझो आपको उसके सब्जेक्टिव लेवल पे जाके आपको एक्टर के सब्जेक्टिव लेवल पे जाके जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना होगा ये वन ऑफ द टूल है फॉर द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग जैसे हम किसी को डायलॉग नहीं बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगे ये ऐसा होता है तुम नहीं समझोगे दैट मीन्स जो वो एक्टर है जो एक्शन कर रहा है उस कि उस एक्शन की समझ एक अलग है तो अगर रिसर्च उस एक्शन को समझना चाहता है उसको उस एक्टर के लेवल पे जाके समझना होगा कि उस एक्टर ने क्या मीनिंग अटैच किया है पर्टिकुलर एक्शन के साथ फाइन ये जो मेथड है कॉनस्टोन है इन द इंटरप्रिटेटिव सोशलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न और आइडियल टाइप्स दो मेथड है वेबर के बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इन डिटेल पढ़ने हैं एंड इस पे लाइक करते हैं मोस्टली उसका सारा जो फाउंडेशन है उसके मेथड की इसमें कॉम्प्रेन्शन ऑफ द मीनिंग बाय यूजिंग सिंपल स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब वो आप मीनिंग्स कैसे समझ सकते हो उसमें आप सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं ना लाओ और उसको अच्छे से आप मीनिंग को समझ पाओ इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे पहला उसको रिकंस्ट्रक्ट करनी चाहिए सिचुएशनल चॉइसिस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एक्टर इट इन्व डेवलपिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्टर यूजिंग सेकेंडरी सोर्सेज ठीक है सेकेंडरी सोर्स से पहले आप उसका जो एक्शन है उसको आप इंटरप्रेट उसको समझने की कोशिश करो जब तो आप सेकेंडरी सोर्सेज समझोगे तो आपको उस एक्टर ने वो एक्शन के सिचुएशन में किया होगा और क्या कंस्ट्रेन थे दैट मीनस क्या क्या रुकावटें आई थी उस एक्शन में उन सारी चीजों को आप समझो रेफर करो उसके लिए सेकेंडरी सोर्सेज को जो इन्वेस्टिगेटर है शुड बी एट द सेम लेंथ एज द एक्टर इट इन्वॉल्व डिपेंडिंग कम्युनिकेशन एबिलिटीज जो हैं वो दोनों की सेम होनी चाहिए ऐसा नहीं है वो आगे से हिंदी में बात कर रहा है और वो आगे से तमिल में जवाब दे रहा है तो बिल्कुल ही अलग लैंग्वेजेज हैं तो इससे प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर्स शुड नॉट हैव सिम्पथी विद द एक्टर ऑफ द सिचुएशन नहीं तो फिर सब्जेक्टिविटी आ जाएगी और आपके जो साइंटिफिक मेथड है इसका कोई फायदा नहीं रहेगा टिविटी इन एनालिस अगर कोई सिंपथी नहीं होगी आपका बस काम है मीनिंग को एस्टैब्लिश करना फाइनली दी इन्वेस्टिगेटर कैन एंटर इंटू ए कॉन्वर्जेशन विद और यूज करता है कर सकता है प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन टू स्टैब्लिश मीनिंग्स और वो क्या रिसोर्स है वो हमने सेकेंड थर्ड चैप्टर में पढ़ लिए हैं सारे इन दिस वे बाई यूजिंग सम सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच वेबर मैक्सिमाइज करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग मीनिंग उसने डिस्कस किए हैं दो टाइप्स ऑफ अंडस्टैंडिंग जो यूज कर सकते हैं टू डिस द मीनिंग्स मीनिंग्स को समझने के लिए दो टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहला हो गया डायरेक्टली ऑब्जर्व करो कि इन्वेस्टिगेटर ने क्या देखा डायरेक्टली ऑब्जर्व किया सेकेंडली इन्वेस्टिगेटर के लिए एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग जिसमें वो मीनिंग ड्रॉ करता है बाय एक्सप्लेनिंग सिचुएशन कॉन्टेंट्स एंड मीनिंग फाइन एक तो हुआ जो कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कोई ऐसी चीज डायरेक्टली ऑब्जर्व करे और उसका मीनिंग स्टैब्लिश हो जाए कोई जैसे कोई सोल्जर जा रहा है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा है अच्छा वो जा रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो फाइट करने जा रहा है अपनी कंट्री से तो कौन सा सोशल एक्शन इन्वॉल्व होगा कौन सी मीनिंग वगैरह होगा उसका लेकिन कोई ऐसा एक्शन होगा जिसमें सिचुएशंस आपके एक्शन के, के लिए कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो एक्शन हो रहा होगा उस पर कोई कंस्ट्रेंट्स होंगी फाइन उसको थोड़ा डीपली समझना ये हो गया ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करना आपको ऑब्जर्व करके समझ में आ जाएगा ये हो गया एक इनडेप्थ एनालिसिस काइंड ऑफ करना पहला मेथड हो गया वर्स्ट हेन मीनिंग कंप्रिहेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग आई थी लेवल ऑफ एक्टर ठीक है सेकेंड हो गया कॉजल प्लोरलिस्ट मेथड देखो ये बोलते थे एक ही मेथड से आप नहीं समझ सकते हो चीजों को आपको दो तीन मल्टीपल जो है चीजें उनको आपको एक तो मेथड्स में भी इन्होंने मल्टीपल कहा था और कहा था अगर कोई कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो तो एक ही कॉज आप मत देखो मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन नहीं देखो आप देखो एक इफेक्ट के पीछे कई कॉजेस हो सकते हैं इसको हम प्रोबलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं ठीक है तो ये वाला मेथड इन्होंने कहा था मीनिंग्स को समझने के लिए एक मीनिंग के पीछे एक एक्शन के पीछे अलग अलग कॉजेस को डेसीफर करो थर्डली इन्होंने आइडियल

तो मैं आपको एग्जाम्पल अगर आपको किसी चीज का आइडियल टाइप बनाना है तो आप क्या करोगे आप उसका एक जनरल फ्रेमवर्क बनाओगे कि वो चीज क्या है फाइन जैसे अगर आपको डेमोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाना है तो क्या आता है डेमोक्रेसी आपको इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करने हैं अगर एक एक बार आपके पास इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए फिर अगर आपको डेमो किसी भी चीज का जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो उसका मीनिंग आपको समझना होगा तो आप इन आइडियल टाइप्स को रेफर कर सकते हो क्या होगा डेमोक्रेसी का आइडियल टाइप एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ठीक है वोट कर सकते हैं ये इसमें इसको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ठीक है आपका इलेक्टेड हेड होता है और क्या होता है इसमें डेमोक्रेसी में आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम तो ऐसे कुछ सारे कैरेक्टर्स नहीं जो एक चीज का एसेंस होते हैं जो उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपने नोट डाउन किए हैं तो वो क्या बनेगा वो उसका आइडियल टाइप बनेगा ठीक है इससे क्या होगा अब अगर आपको डेमोक्रेसी की किसी भी कंट्री का आपको डेमोक्रेसी देखनी वहां डेमोक्रेसी है कि नहीं तो आप वो इससे कंपेयर कर सकते हो कि ये जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस मीनिंग में फिट होते हैं कि नहीं तो इससे क्या होगा सब्जेक्टिविटी पहली बात बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी आपने क्या किया ऑब्जेक्टिवली एक फ्रेमवर्क तैयार किया ठीक है फिर उस फ्रेमवर्क के साथ आपने क्या किया उस फ्रेमवर्क के साथ आपने अपनी जो भी आपका मीनिंग है या जो भी आपका एक्शन है उसको कंपेयर करने की कोशिश की तो ये होता है आइडियल टाइप अब ये उन्होंने इसके बारे में और क्या कहा था वो हम डिटेल में देखेंगे आइडियल टाइप चैप्टर में ठीक है फाइनल फिलहाल के लिए इतना काफी है अब हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं हाँ तो ये आपका आइडियल टाइप्स हो गया इसकी डेफिनेशन वगैरह हम आगे देखेंगे अब इन्होंने क्या किया था इन्होंने चार आइडियल टाइप्स दिए थे फॉर बेसिक बेसिक यूनिट यूनिट ऑफ ऑफ एनालिसिस एनालिसिस दैट इज इनका क्या था सोशल एक्शन इन्होंने डेवलप किए थे चार आइडियल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन वो क्या थे ट्रेडिशनल सोशल एक्शन इफेक्टिव सोशल एक्शन आगे वर्ड रैशनल और रैशनल ठीक है वो आगे की स्लाइड पे इट इज दैट टाइप ऑफ सोशल एक्शन इन विच मीनिंग्स आर ड्रॉन फ्रॉम सर्टन बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस इट इन्वॉल्व लीस्ट कॉन्शियस थिंकिंग और एक्शन एग्जाम्पल कैन बी रिलीजियस एक्शन कोई रिलीजियस नर्मनी परफॉर्म करते हो वो आपको ऑल दो उसके साथ आपका मीनिंग अटैचड है आपको पता है वो आप क्यों कर रहे हो ठीक है आपको अंडरस्टैंडिंग है लेकिन जब आप हर बार करते जाते हो करते जाते हो तो आपकी लीस्ट कॉन्शियस थिंकिंग होती है आप वो बस परफॉर्म कर रहे हो कोई फेस्टिवल हो कोई पूजा हो तो वो कौन सा एक्शन होता है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन जो कि नहीं बिलीव्स और ट्रेडिशन पे होता है इफेक्टिव सोशल एक्शन होता है जो जनरेट होता है किसी इमोशन की वजह से वो इमोशन प्यार का भी हो सकता है फेयर का भी हो सकता

एंगर हेट्रेड कोई भी इमोशन की वजह से जनरेट हो सकता है ठीक है जैसे इन्हें एग्जाम्पल दी है किसी ने अगर किसी कोई माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है तो एक एंगर का आउटबर्स्ट हो सकता है वो एंगर आ, या एंगर नहीं वो फेयर का आउटबर्स्ट भी हो सकता है आउट ऑफ फेयर बच्चे ने कोई गलती की कहीं गैस के पास चला गया तो माँ को होता है कि हाई इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं तो फेयर उसको रोकने के लिए एक थप्पड़ वो नेचुरली निकल जाता है मामा की इससे मार देती है सबने खाया होगा बचपन में ऐसे वाले थप्पड़ आउट ऑफ फेयर इमोशन के तो उनको इफेक्टिव सोशल एक्शन बोला लास्ट के दो देख लो रैशनल एंड रैशनल वो एक्शन होते हैं जिसके मीन्स एक्शन परफॉर्म करने के जो मीन्स होते हैं और गोल्स जो होते हैं वो दोनों लॉजिकली डिसाइडेड होते हैं कि आपको पता है मोस्ट रैशनल एक्शन होगा ये कर परफॉर्म करना और उसके लिए आप बहुत रैशनल तरीका यूज करते हो एक्शन परफॉर्म करने के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल किसी साइंटिफिक रिसर्च में आपको पता है साइंटिफिक रिसर्च जो है एक लॉजिकल चीज है गोल भी लॉजिकल है एंड सेकेंडली आप एक लॉजिकल मेथड भी यूज करते हो अपनी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो टाइप ऑफ रैशनल एक्शन होता है रैशनल सोशल एक्शन इसको जो रैशनल कहा था उन्होंने वर्क रैशनल होता है वैल्यू ऑरिएटेड रैशनल सिस्टम जिसमें ऑल फाइनल गोल क्या होगा वो आपके वैल्यूज पर डिपेंड करता है सोसाइट के और उन गोल्स को पूरा करने के लिए आप एक लॉजिकल एक्शन यूज करते हो जैसे मैंने एग्जाम्पल दी सोल्जर्स गोइंग टू सेव अ कंट्री कहीं ना कहीं ये वैल्यू ड्रिवन है क्योंकि सोल्जर को पता होता है हो सकता है वो बचे या ना बचे लेकिन वैल्यूज ही ऐसे इन्फ्यूज है प्यार है अपनी सोसाइटी से अपनी कंट्री से नेशनहुड नेशन की बात आती है नेशनहुड की बात आती है तो वो जाते हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए तो ये जो गोल है उनका फाइनल कंट्री को बचाना ये वैल्यू ओरिएंटेड है लेकिन उसके लिए वो क्या मेथड यूज़ करते हैं वो टेररिस्ट तो नहीं बनते ना उसके लिए वो क्या मेथड यूज़ करते हैं लॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ट्रेनिंग करते हैं किसी बटालियन में भर्ती हो जाते हैं और बाद में कंट्री को सेव करने की कोशिश करते हैं तो ये टाइप ऑफ एक्शन होते हैं वोट रैशनल एक्शन अब इन्होंने क्या किया देखो एनी एक्चुअल एक्शन कैन भी कम्पेयर टाइप्स ऑफ एक्शन अटैच अब कोई भी एक्शन है अब अगर आपने देख लिया फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा या किसी ने अपने बेटे को किस किया या कोई सोल्जर कहीं चला गया कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा है ठीक है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो इन चार आइडियल टाइप से और आप मीनिंग एस्टेब्लिश कर सकते हो वो कौन से टाइप ऑफ एक्शन है अगर वो सोशल एक्शन है तो उसके क्या क्या आइडियल टाइप्स हैं उस एक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप ऐसे करके एक जनरल ओवरव्यू एक फ्रेमवर्क जो है वो बना सकते हो अपने सोशल एक्शन का ए पर्टिकुलर एक्शन में कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम दीज आइडियल टाइप्स हिज वर्क इज ऑन ऑन आइडियल टाइप इज सिग्निफिकेंट क्योंकि मेथडोलॉजी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेटर को एक रेडी मॉडल एंड हेंस दी हैंड सेव्स दी टाइम्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर अब आपको किसी एक्शन के मीनिंग को समझने के लिए ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करनी है वो एक्शन हो गया परफॉर्म उस एक्शन को आपने देखा तो आप समझ जाओगे वो किस आइडियल टाइप से रिलेटेड है अगर वो वर्ड सोशल सोशल एक्शन से रिलेटेड है तो आपको पता है वर्ड रैशनल सोशल एक्शन के क्या आइडियल टाइप्स हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप बोल सकते हो वो जो फलानी सोशल एक्शन था उसके ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है थीके? वेबर एक्नोलेज करता है एक्जिस्टेंस ऑफ रेगुलरिटीज़ इन सोसाइटी अनलाइक दुर्खे वो इंसिस्ट करता है ये रेगुलरिटी माइंड में है इंडिविजुअल के देखो रेगुलरिटीज़ इन सोसाइटीज मतलब एक सोसाइटी के कुछ बिलीफ होंगे नॉर्म्स होंगे आपस में कैसे कम्युनिकेशन हो रही है वैल्यूज होंगी एटीट्यूड होगा वो सारी चीजें सोसाइटीज में प्रेजेंट हैं वो दुरखेम ने भी कहा और वेबर ने भी कहा रेगुलरिटीज वो एक्नॉलेज करते हैं एग्जिस्टेंस एक पैटर्न है सोसाइटी का एक रेगुलर स्ट्रक्चर है नॉर्म्स है वैल्यूज है लेकिन दुरखेम का बोलना था सोसाइटी जो है वो ऊपर है इंडिविजुअल से इंडिविजुअल इज सबॉर्डिनेट टू सोसाइटी तो वो जो नॉर्म वैल्यू वो रेगुलरिटीज है वो सोसाइटी डिटर्मिन करेगी लेकिन वेबर का ये मानना नहीं था ये कहते थे वो रेगुलरिटीज जो है दे एक्सिट इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ दीज रेगुलरिटीज इज विजिबल इन टर्म्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दिसगुलाटीज की उनको समझने के लिए आपको सब्जेक्टिवली उनको इंटरप्रिट करना होगा ठीक है बिकॉज दे एक्सिस्ट इन द माइंड ऑफ द इंडिविजल्स लेकिन दुर्खेम का कॉन्सेप्ट याद करो सोसाइटी सोसाइटी इंडिविजल इंडिविजुअल सबॉर्डनेट टू द सोसाइटी तो वो रेगुलरिटीज को डिटर्मिन करती है आपकी सोसाइटी तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आइडियल टाइप्स सोशल एक्शन का फाइन आइडियल टाइप्स हमें इन डिटेल पढ़ना है वो हम नेक्स्ट uh, वीडियो में करेंगे इनका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं जल्दी से हैं गर्थ एंड सी राइट मिल्स ने कहा वेबर इम्प्लाई दैट ही हैड अ ग्रेट कंसर्न विद मेंटल प्रोसेसेस बट एक्चुअली स्पेंड लिटिल टाइम ऑन देम मेंटल प्रोसेसेस पे ज्यादा कम ध्यान दिया और ज़्यादा वो आपके आइडियल टाइप्स बनाने में ही लगे थे ही लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल मीनिंग्स एंड इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी सोशल स्ट्रक्चर की बात नहीं की क्योंकि उन्होंने माइक्रो एनालिसिस का कहा था आपको हिस क्लेम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट ट्रू क्योंकि जो वर्ड टेन आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट है कहीं नही दे आर हाई ली सस्केप्टेबल टू सब्जेक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर ठीक है जब आप आइडियल टाइप बना रहे हो आप लिख रहे हो ना एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल टाइप के दैट मीनस कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी है वर्ड्स एन आप मीनिंग uh, अटैच है, है लेकिन आपको उस मीनिंग को एस्टेब्लिश करना है तो मीनिंग जब आप किसी का समझने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी ज फोस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन इज इग्नोर फाइन हमने कहीं भी कलेक्टिविटी की बात इसमें नहीं देखी वेवर ऑल्सो इग्नोर अन इंटेंडेड मीनिंग जिसको बाद में मॉर्टन ने हाईलाइट किया उसको हम लेटेंट फंक्शन बोलते हैं इन्होंने हमें लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन दिए थे उसमें जो लेटेंट होते हैं वो अन इंटेंडेड मीनिंग होते हैं वो हम आगे देखेंगे जब हमें मॉर्टन डिटेल में पढ़ना है हज डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन इज ऑल्सो हैंडीकैप बाई द इंक्लूशन ऑफ oriented towards others क्योंकि इस meaning को उन्होंने expand नहीं किया उन्हें बस कहा towards uh, it, it should be oriented towards other दूसरे individual की तरफ आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए जब आप सोशल एक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन बाद में पार्सन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया इसमें सिचुएशनल चॉइसेस कॉन्स्ट्रेंट्स और एस्पिशन ऑफ़ द एक्टर डाल के ठीक है तो ये इनका क्रिटिसिज्म हो गया एक बार अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना दो बार में ये वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ऐसे ही बुक से पढ़ने बैठोगे खुद से ही तो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है बट आई वुड स्टिल सजेस्ट वीडियो देखने से पहले अगर आपने एक बार रीड कर लिया होगा तो फिर आपके लिए दिमाग में रजिस्टर करना चीज़ें ईजी हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में हम आइडियल टाइप्स देखेंगे तो डू गिव अप वीडियो पसंद आया नहीं आया तो डिसलाइक करें प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल कंपैरेटिवली न्यू चैनल है बट आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स कि आपको चीजें समझ में आए कॉमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा और जब तक नया वीडियो आता है टेक हैव अ ग्रेट डे